नमस्ते बच्चों। तो जो यूनिट नंबर 20 था इन द वर्ल्ड ऑफ स्टार, उसका लास्ट पार्ट जो है वो बचा है ऑलवेज रिमेंबर एंड नेशनल इंस्टीट्यूट। अब देखिए, हम आपकी जो स्कूल है, स्कूल से ट्रिप वगैरह जाती है, तो ट्रिप वगैरह जो जाती है ना, वो यहाँ पे आप जो प्लैनेटेरियम है, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्लैनेटेरियम, तो वहाँ पे विजिट दे सकते हैं। वहाँ पे हमने इन द वर्ल्ड ऑफ स्टार, तो वहाँ पे एक शो होता है जिसमें आपको स्टार दिखाए जाते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि हम जो है वो आकाश में ही है, तो इस प्रकार का वो शो होता है। वहाँ पे आपको अलग अलग चीज़ें जो है वो देखने को मिलेगी, मार्स का कैसा है या फिर चांद का कैसा है, हम अर्थ पे है, अलग अलग प्रकार के शो है। तो उसमें आपको क्या होगा, और ज़्यादा जो है वो नॉलेज मिलेगा। तो कभी भी स्कूल की ट्रिप वगैरह होती है तो आप सजेस्ट कर सकते हैं अपने टीचर्स को कि वहाँ पे जो है वो ट्रिप लेके जाए। उसी प्रकार से जो नेशनल इंस्टीट्यूशन वहाँ पे दिया है आयू का यानी IUCAA, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी का मीनिंग क्या होता है, खगोल शास्त्र एंड एस्ट्रोफिजिक्स। तो एस्ट्रोफिजिक्स का वहाँ पे क्या होता है, ये पुणे में है, कैरीज अ आउट फंडामेंटल रिसर्च इन एस्ट्रोनॉमी, यानी एस्ट्रोनॉमी जो खगोल शास्त्र है उसके बारे में यहाँ पे रिसर्च की जाती है। इन इंडिया प्लैनेटेरियम नेम आफ्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू हैन बीन एस्टैब्लिश, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू प्लैनेटेरियम कहाँ कहाँ पे है, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु, अलाहाबाद, मुंबई एंड न्यू इंग्लिश स्कूल इन पुणे। तो यहाँ पे हमें जो है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू प्लैनेटेरियम देखने को मिलता है, जहाँ पे अगर आप विजिट करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा जो है वो वहाँ पे समझने को मिलेगा, देखने को मिलेगा, और एक एक्सपीरियंस जैसे हम आपको लगेगा कि हम जो है वो यूनिवर्स में आ चुके हैं, ऐसा एक एक्सपीरियंस जो है वो आपको देखने को मिलेगा। वहाँ पे क्या है, दे प्रेजेंट इन अ वर्चुअल प्रोजेक्शन ऑफ वेरियस स्टार्स एंड कॉन्स्टिलेशन, अलग अलग प्रकार के स्टार कॉन्स्टिलेशन जो है वो आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे, एज इफ वी इट वेयर स्काई वॉच, जब हम स्काई वॉच करते हैं उस प्रकार का एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा। डू विजिट दिस प्लेस ड्यूरिंग द स्कूल टूर एंड व्हेन एवर पॉसिबल, अगर टूर का स्कूल जाता है तो वैसे जा सकते हैं, या आप अपने फैमिली को लेके भी वहाँ पे जो है वो विजिट कर सकते हैं, ताकि आपको और अच्छी तरीके से प्लैनेट के बारे में, कॉन्स्टिलेशन के बारे में, कॉमेट के बारे में अच्छी तरीके से जो है वो समझ में आएगा। अब देखिए, ऑलवेज रिमेंबर में क्या बताया गया है कि बहुत सारे लोग जो है वैसी मान्यताएं रखते हैं कि मेरा शनि बिगड़ गया है, मेरा मंगल खराब है, या फिर अलग अलग प्रकार के जो है वो धारणाएं होती है। तो इस पैराग्राफ में यही बताया गया है कि साइंस ऐसा प्रूव करती है कि ऐसा कोई भी प्लैनेट या फिर कोई कॉन्स्टेलेशन या कोई कॉमेट जो है वो आपके लाइफ को प्रभावित नहीं करता। यानी ये जो आपके मन में डर होता है कि ये मेरा शनि खराब चल रहा है, मेरा मंगल खराब चल रहा है, तो आप अपना काम करते जाइए, अपने कर्म पे बिलीफ रखिए, आप अपना काम पूरी मेहनत से कीजिए, आपको फल उसका ज़रूर मिलता है। बाकी कोई भी स्टार, प्लैनेट, कॉमेट, कॉन्स्टेलेशन आपके लाइफ पे असर नहीं डालता, ये इनका कहना है। साइंस हैज प्रूव्ड दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सोलर सिस्टम, यानी साइंस ने क्या प्रूव किया है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट है सोलर सिस्टम्स के, जैसे प्लैनेट है, सैटेलाइट है, कॉमेट्स है, आर डिस्टेंस जो बहुत दूर के स्टार है, कॉन्स्टिलेशन है, डू नॉट हैव द इन्फ्लुएंस ऑन ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन के लाइफ पे ये कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं डालते। मैन स्टेप ऑन द मून इन 20th सेंचुरी में इंसान ने चांद पे कदम रखा, ही विल कॉन्क्योर यानी विजेता मार्स इन द 21st सेंचुरी में, मार्स में भी हम गए, ठीक है, उस पर भी विजय हासिल की, यानी जो रोअर है, परसिवरेंस रोअर वगैरह है, वो मार्स पे भेजे गए थे। हेंस इन दिस एज ऑफ साइंस, तो ये साइंस का युग चल रहा है, होल्डिंग ऑन द बिलीफ विच हैज़ प्रूव बी रॉन्ग थ्रू द न्यूमर साइंटिफिक टेस्ट, तो जो हमारी मान्यता है कि हमारा मंगल खराब हो गया, शनि खराब हो गया, तो ये सारी जो मान्यता है ये साइंस ने जो है साइंटिफिक टेस्ट में गलत साबित हुई है। इट इज़ एन अननेसेसरी वेस्ट ऑफ, अगर हम उसमें ध्यान देते हैं तो अपना टाइम भी खराब करते हैं, एनर्जी भी खराब होती है और मनी भी खराब होती है। लोग बोलते हैं कि फिर ये ऐसा करना है, वैसा करना है, ये खराब हो गया, तो ये सारा वेस्टेज ऑफ टाइम है, ऐसा ये इनका कहना है। इट इज़ नेसेसरी टू कंसिडर ऑल दिस इशू विथ साइंटिफिक फ्रेम ऑफ माइंड, तो इन सारी चीज़ों को अगर कोई होता है, कभी कभी क्या होता है, कोई ग्रहण होता है तो हमारी मान्यता होती है, कुछ कुछ लोग बोलते हैं कि ग्रहण खराब है, अच्छा है इसका हमारे लाइफ पे, तो ये सारी चीज़ें साइंस बोलता है कि ये हमारे लाइफ पे कोई असर नहीं डालती, तो हमें जो है इस सारी चीज़ों को साइंटिफिक फ्रेम ऑफ माइंड से जो है वो देखने की कोशिश करनी चाहिए। तो यहाँ पे बच्चों, ये जो साइंस का 20 नंबर का चैप्टर है और हमारा जो क्लास 7 का जो साइंस का बुक है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट इससे हम जो है वो कुछ दिन तक जो टॉपिक्स होते हैं साइंस के अलग अलग, उसको डालने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद जो है वो 10th का साइंस जो है वो स्टेट बोर्ड का स्टार्ट करेंगे। तो आज का वीडियो समझ में आया, अच्छा लगे एक लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे बच्चों ने ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।